स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं है, कैश में है। बहुत ही उमदा सा ब्रेकआउट 265 के ऊपर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पर, और 265 के ऊपर इसका मिनिमम टारगेट 276, और उसके बाद इसका जो टारगेट होता है वो 285 होता है। 285 का जो लेवल मैंने दिया है ये इसका मई महीने का हाई है, जो इसका 52 वीक हाई भी है। क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा अनिल जी, करंट लेवल पर लेने का सलाह होगा। 255 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 276, 285 ये दो टारगेट्स तो मैंने अभी अभी दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक तो हासिल हो ही जाएगा। उसके बाद 300, 310 का भी टारगेट आ सकता है। वी गार्ड को खरीद कर चलिए, 255 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और मेरी जो लास्ट वीक की पिक है इंडिया ग्लाइकोल, उससे मिलता जुलता ही सेक्टर हो गया। स्टॉक का नाम है आंध्रा शुगर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 665 के लेवल पे था, अभी 670-71 आ गया है। अनिल जी, एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है विद इन द शुगर स्पेस, और शुगर सेक्टर तो पूरा फोकस में है, जिसके कारण हम सब कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिपीट करता हूं। मैंने भी हाल ही में द्वारिकेश शुगर, डालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन सबको रिकमेंड किया है। शुगर के एक तो इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत ही बढ़े हुए हैं, तो उसका फायदा हो रहा है। फिर सरकार का जो एथेनॉल के ऊपर फोकस है, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके जो इंसेंटिवाइज कर रही है, और फिर जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और सरकार ने हाल ही में कहा वो 100 करोड़ लीटर एथेनॉल भी अवेलेबल कराएंगी ओएमसीज को, तो उसका फायदा हो रहा है शुगर स्टॉक्स को। तो उसमें इस स्टॉक को मैंने इन लेवल्स पे पिक किया। बट जो एक और जो मेजर ट्रिगर है, जो कि बाजार थोड़ा इग्नोर कर रहा है, वो इस कंपनी के पास कॉस्टिक सोडा और सोडा एश बनाने की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। एक बड़ा प्लेयर है कॉस्टिक सोडा और सोडा एश का, और ये जो कमोडिटीज है इनमें तूफानी एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है इंटरनेशनली, और हम देख रहे हैं किस तरह से गुजरात एल्कली जैसा स्टॉक चल रहा है, फिर आपके DCW चल रहा है। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा ट्रिगर आंध्रा शुगर के लिए होगा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 17-18% के है, डेट इक्विटी रेशियो 0.16, पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। और इसकी एक और लिस्टेड स्टॉक है जोसिल लिमिटेड, उसमें 55% हिस्सेदारी है। और ये स्टॉक मुझे जहां तक याद आता, आज शायद संदीप जैन ने भी प्री मार्केट इसको कवर किया था। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है, शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 700 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखना है 660 रुपए का।